सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, पंजाब से एक हिंदू भाई का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह व्यक्ति हर हिंदू भाई बहन को पैसों का लालच देते हुए यह कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई पास्टर या पादरी आकर तुमसे यह कहे कि तुम राम पर विश्वास न करना और कृष्ण की पूजा मत करना तो आप लोग उन्हें थप्पड़ मारे और वीडियो बनाकर मुझे सेंड करे तो मैं इनाम के तौर पर आप लोगों को 11,000 रुपया दूंगा। दोस्तों, यह भाई लोगों को आपस में लड़ाने का काम तो शुरू कर चुके हैं, साथ ही साथ अपने ही धर्म और अपने ही देवी देवताओं को बेइज्जत करने में लगे हुए हैं, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी धर्म किसी भी प्रकार की हिंसात्मक कार्यों को बढ़ावा नहीं देता बल्कि प्रेम और भाईचारा सिखाता है। और हिंदू धर्म शास्त्र भी यही कहता है कि हर मनुष्य तथा हर एक प्रकार के जीवों के ऊपर दया करना चाहिए। तो अभी आप इस वीडियो को देखिए कि उस भाई ने और क्या क्या कहा, फिर आगे इस विषय पर हम बात करेंगे। कोई मेरा मित्र, कोई दोस्त जिनके पास पास्टर आकर उनको बोले कि प्रभु श्री रामचंद्र जी में विश्वास मत रखो या अपने हिंदू धर्म में विश्वास मत रखो या गुरुओं के बारे में बोले और ईसाई बनने को कहे, तो वह जो जिसको वह कहे अगर वह उसे थप्पड़ मार के वीडियो बना के मुझे सेंड करेगा तो मैं उसे 11,000 रुपये का इनाम दूंगा। जे कोई पास्टर मिलता है तुहाडे कोल आके तुहानू धर्म बदलने लिए प्रेरित करता है तो उहदे थप्पड़ मार के वीडियो बनाउण वाले नू मेरे वल्लों 11,000 रुपये का इनाम जिहड़ा उह दित्ता जाऊगा। देखिए, कोई भी पास्टर लोगों के पास जाकर यह कहे कि तुम हिंदू देवी देवताओं पर विश्वास नहीं करो और ईसाई बन जाओ तो यह गलत है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है वे ऐसा नहीं कहते, क्योंकि हर मसीह भाई बहनों का उद्देश्य यही रहता है कि जिस प्रकार परमेश्वर ने उनके जीवन का उद्धार किया और पापों से छुड़ाया है उसी प्रकार हर किसी का जीवन उद्धार हो और शैतान के बंधनों से मुक्त होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। इसलिए वे लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, क्योंकि हर मनुष्य का उद्धारकर्ता केवल प्रभु यीशु है। जैसे यूहन्ना 14:6 में यीशु कहते हैं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। लेकिन इसी विषय को हमारे कुछ हिंदू भाई बहन धर्म परिवर्तन कहते हैं, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसका जीवन परिवर्तन होता है, ना कि धर्म परिवर्तन। दोस्तों, इस भाई के इस प्रकार की भड़काऊ बयान से तो यही लगता है कि इनके अंदर लोगों के प्रति कूट कूट कर गुस्सा भरा हुआ है। अगर देखा जाए तो इसी प्रकार के हिंसा और कपट के कारण हमारे हिंदू भाई बहन हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन से किसी का जीवन परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे एक रेल के डिब्बे से निकलकर दूसरे डिब्बे में बैठ जाना, कोई फर्क नहीं हुआ। अगर आप सच्चे परमेश्वर को पहचानना चाहते हैं तो बाइबल पढ़ें। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो ऐसे प्रार्थना करें, अगर इस संसार में कोई परमेश्वर है तो मुझे बताएं कि मेरे जीवन का उद्धार कैसे हो सकता है, और आपको केवल प्रभु यीशु ही जवाब देंगे, क्योंकि यीशु ही संसार में सच्चे परमेश्वर हैं जो कि स्वर्ग से आए हुए थे। जैसे यूहन्ना 3:13 कहता है, मनुष्य के पुत्र यानी यीशु मसीह के अलावा और कोई स्वर्ग नहीं गया, क्योंकि वही पहले स्वर्ग से उतरा है। दोस्तों, इस भाई के इस प्रकार के बयान से यही प्रतीत होता है कि आगे चलकर ईसाइयों के ऊपर बहुत ही ज्यादा दंगा फसाद और हिंसा कांड होने वाला है। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से हर मसीह भाई बहनों को यह संदेश देना चाहूँगा कि आपको चाहे जो भी कोई गाली दे या आपको बुरा भला कहे, आप उन्हें क्षमा करें और प्रेम पूर्वक उन्हें यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते रहें, ताकि और भी कई लोगों का जीवन उद्धार हो सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही और भी वीडियो देखने को मिलती रहे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। परमेश्वर आप सबके साथ रहे।